आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते की सब्जी, वो भी एकदम मस्त देसी स्टाइल में। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरबी को अच्छे से धो लिया है। इसको आप बहुत सारे लैंग्वेज में कच्चू भी बोलते होंगे और भी बहुत कुछ बोलते होंगे, आप कमेंट करके बताना क्या क्या बोलते हो। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी में बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, बस थोड़ा सा। और इस पर हम ऐड करेंगे हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और उसके बाद काली मिर्च डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब जो पत्ते हमने धो के रखे थे ना, बस उसको लेना है। ये देखिए मैंने किस तरीके से पत्ते को ले लिया है और इसके ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया है उसको हम चम्मच से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए स्प्रेड करने के बाद दूसरा पत्ता लेंगे और उसके ऊपर रखते जाएंगे और इस तरीके से उसमें भी हम इस तरीके से बेसन लगा देंगे। उसके बाद इसी तरीके से सारे पत्ते को एक के ऊपर रख रख के अच्छे से लगा देंगे इसमें हम बेसन और इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए किस तरीके से मैंने मोड़ दिया है आसानी से और इसको मैंने एक धागे के मदद से अच्छे से इसको स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में उबला हुआ पानी रख दिया, उसके ऊपर प्लेट और उसके ऊपर हमारा जो कच्चू का पत्ता वाला था वो डाला है। उसके ऊपर मैंने इसको इस तरीके से ढक दिया है ताकि ये अच्छे से भाप ले ले और अच्छे से ये उबल जाए। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से स्टीम हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम बीच से इस तरीके से काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए और इसी तरीके से कट करके हम सारे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा कट के रेडी हुआ, एकदम लेयर में एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम मसाले के लिए प्याज, सरसों, धनिया, काली मिर्च, जीरा और हरी मिर्च और लाल मिर्च लिया है मैंने, इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये जो हमने स्टीम करके रखा था ना पत्ता का, उसको हम सबसे पहले अच्छे से छान लेंगे, यानी उसको हम फ्राई कर लेंगे, पकौड़ी बनकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। एक तरफ से जब पक जाए तो इसको पलट कर दूसरी साइड से भी पका ले आराम से। ये देखिए बस इसको अच्छे से हाथों से हिलाना है, ये देखिए। और हमारा ये देखिए कितना अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। अब वापस उसी कढ़ाई में उसी तेल में हम डाल देंगे सरसों, सरसों के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम भुनने दे देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसको हम अच्छे से भुनेंगे। तो अब देखिए प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है और अच्छे से ये भुन भी गया है। तो इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था सब्जी का वो वाला पेस्ट हम डाल देंगे मसाले का और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साइड में देखिए फ्रेंड्स मेरा चावल भी बन ही रहा है, इसको हम चावल के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे हमने इसमें हल्दी डाला है अब, और हल्दी डालते ही हम इसके बाद इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इनसे इनका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हल्का सा पानी देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा बनके रेडी हो रहा है सब्जी, अच्छे से भुन रहा है। अब मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है, सूख भी गया है, तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है फ्रेंड्स, आपको महक कर लग रहा होगा। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी को पानी में एक उबाल आने दे देंगे। तब तक हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे ग्रेवी में, ग्रेवी में उबाल आ जाएगा। तो ये देखिए आ गया है। अब इसमें हम सारे के सारे पकौड़ियाँ डाल देंगे अरबी के पत्ते के, और सारे के सारे डालने के बाद इसको हम अच्छे हल्के हाथों से इस तरीके से चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी सब्जी बन के हमारा रेडी होने वाला है, सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसे 5 से 7 मिनट ढककर पका लेंगे, उसके बाद इसको हम निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा सब्जी कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हो। तो चलिए इसको हम ठंडा करके सर्व करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सर्व किया है, कितना सही लग रहा है। अब चलिए इसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है और यहाँ पे मैंने ये देखिए अरबी के पत्ते की सब्जी को भी लिया है, एकदम लग रही है ना मछली, मस्त सब्जी बनाए फ्रेंड्स।